दोस्तों प्रणाम सभी को दिल से। मैं हूँ संजय नेम, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के विलेज सुवारी गांव से, और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल संजय यू के 13 में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं अभी हूँ गांव रोहता में, और आज हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए रजनीश वापसी। भाई, तो आज क्या है खाने में? फिर पराठे बन रहे हैं। मामी जी नमस्ते। नमस्ते मामी मामी जी पराठे बनाने में लगे हुए हैं। कितने पराठे बना दिए आपने आज? इतने सारे कौन खाएगा? तो हमारी मामी जी, तो मेरे साथ आज साथ मेरा बड़ा भाई, मामा का लड़का है, मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मेरे साथ रहेंगे आज सफर में। और सबसे बड़ी बात, पिंक ही पिंक, हैवी पिंक, दिवाली पिंक, क्या बात है, पूरा पिंकी पिंकी हो गया आज। तो चलो एक साथ, अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। तो ये ब्रूनो की मम्मी, संदेश देना चाहोगे? नहीं, ठीक है। ये रहा मेरे मामा जी का घर, और ये हमारे रजनीश भाई, और ये हमारा गांव रोता ननिहाल। और ये नज़ारा छत से हमारे, ये रोहता गांव बहुत ही सुंदर गांव है। अरे देखो, बहुत ही संतरे हो रहे हैं आजकल गढ़वाल में, हर पेड़ पे। ये पूरा गांव है जो रोहता गांव है। इधर साइड देख रहे होंगे आप हमारे ठीक सामने, तो ये सामने का व्यू दिख रहा। तो ये रहा आगर, ये आगर है ना, और जो ये इलाका है 10 जुला, 10 जुला मतलब 10 गांव, 10 गांव रहते इस पूरे इलाके में, तो इसको 10 जुला भी कहते, 10 जुला पट्टी, 10 जुला पट्टी के नाम जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 10 गांव है इस पूरे इलाके में, तो इसलिए यहाँ 10 जुला कहते हैं। यहाँ पे कुछ 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 गाँव के नाम है जो मुझे थोड़ा बहुत बताए मेरे भाई ने। तो जो ये वाला गाँव है, ये वाला है थप गाँव है, ये मोड़, मोड़, ये मोड़ है, ये कांडे है यहाँ पे, ये कांडे है, ढूंग ये ढूंग है, और वो ढूंग सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको जो वो आगर है, वो ये वाला, ये ढूंग, ये कांडे, ये मोड़, और ये थपगांव। अरे जो ऊपर दिख रहा होगा आपको ये वाली चोटी, ये क्रॉस पर्वत कार्तिक स्वामी की है, और बाकी नज़ारा बहुत सुंदर है। चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में अपने गांव की तरफ, तो अब सीधा आपको मिलते हैं गांव का, थोड़ा बहुत अंदर रास्ता दिखाएंगे गांव के बीच का। और क्या ही नज़ारा है रोहता गांव से। सो गाइस, वी आर रेडी, लेट्स गो। हाँ हाँ ठीक है, ब्रूनी का मिले, ओए बाय बाय कर। तो बस निकल चुके हैं। तो आप बताएंगे हमारे जर्नी के बारे में कुछ? जर्नी अब आगे देखते हैं क्या होती है जर्नी। क्या होता है? तो चलो यहाँ पे एक मंदिर दिखाते हैं, कार्तिक स्वामी का, गांव के अंदर यहाँ पे कार्तिक स्वामी का मंदिर है। चाहो कार्तिक स्वामी, और ये कुछ अंदर के नज़ारे गांव रोहता के। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, हमारा वेट करती हुई, और ये हमारी गाड़ी पे किसी ने भयंकर निशान मार के दुनिया भर गया। और निशान किसने मार दिया बच्चों ने, क्या होगा ना, बाकी सब बढ़िया है। चलो चलते हैं। तो रोहता गांव यहाँ से शुरू होता है, ये नीचे से, यहाँ से पूरा यहाँ यहाँ तक, मेन गाँव यहाँ पे रोहता का ये है। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है यहाँ का, और वो ऊपर वो हल्का सा हरा कलर का छत दिख रही होगी, वो स्कूल है यहाँ की। तो ये रहा हमारा लास्ट व्यू रोहता गांव को, तो रोहता गांव करते हैं हम बाय 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 बाय, मिलेंगे बहुत टाइम बाद। तो इसी के साथ हम निकलते हैं यहाँ से, अब आपको आगे दिखाएंगे। दाहिने सिराओं, सिराओं ये सामने पे, हाँ ये सिराओ गाँव है, उसके ठीक दाहिने ये डूल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो परिवार रहते हैं, सिर्फ दो परिवार यहाँ पे, यहाँ पर रहते 12-13 साल से। और ये नीचे क्या बोला, फिर से बोला गांव का नाम? यहाँ है कुमेडांग, कुमेडांग, हाँ। वहाँ पहले कुछ ऊपर हैं तो कुछ वहाँ नीचे रहते हैं गदेरे के नीचे साइड, ठीक है। एरिया है यहाँ का रोहता गांव के आसपास का, गांव जो भी है वो बताए हमने आपको थोड़ा बहुत, अब आगे बताते हैं जो जो हमें पता होंगे। ये है रोहता गांव जो सिराओं से दिखाई देता है, ये है रोहता गांव का डांडा ऊपर दुरंता।
तो ये ऊपर गांव दिखाई दे रहा है, गांव का नाम है सिमलासो। ये रोहतास से करीबन 3 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ से ऊपर के लिए जाती है रोड सिमलासो गांव के लिए। ये पूरा चौंडी गांव का है और वो नीचे स्कूल है यहाँ की चौंडी। तो पेड़ के बीचों बीच दिखाई दे रहे छात्र, कुछ बच्चे दिख रहे होंगे आप खोल के से। स्कूल यहाँ पे है, ये चौंडी स्कूल है। और यहाँ के लगभग कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? लगभग यहाँ काफी इलाके के बच्चे आते हैं, 7-8 गाँव के बच्चे आते हैं क्योंकि ये स्कूल यहाँ पे 6-12 है और पूरे इलाके में एक स्कूल है चौंडी। ये गाँव है यहाँ पे, हल्का चौंडी गाँव दिख रहा हूँ आपको। बाकी हमें जाना है अभी पोखरी, तो चलो बढ़ते हैं, हमें लेट भी हो रही थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खतरनाक सा झरना। अभी तो पानी कम दिख रहा होगा आपको लेकिन बहुत ऊंचा, कम से कम 70-80 मीटर ऊंचा झरना है ये। बारिश के टाइम पे तो बहुत भयंकर पानी आता है यहाँ से, बहुत भयंकर झरना आता है। सोच सकते हो कितना खतरनाक झरना सकता है बारिश के टाइम पे यहाँ पे। सुंदर नजारा है यहाँ पे, बहुत ही मजेदार। शायद कैमरा में तो अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन रियल में तो बहुत सुंदर है, मजा आ गया, फील आ गया पूरा। कहाँ पे है अभी? हैं? अभी कहाँ पे है? मैं कहाँ पे हूँ? पोखरी में हूँ मैं। पोखरे के सैनिक होटल में अभी समोसा खाते हुए। तो उसके बाद मिलते हैं, आगे का प्लान अभी कुछ फिक्स नहीं है, आगे का प्लान कुछ फिक्स नहीं है, कब तक रहते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं आगे आपको थोड़ी देर में एक समोसा खाने के बाद। मोहन खाल में खाना खाते हैं, ये मोहन खाल में बस खाना खा के निकलते हैं। हम पहुंच चुके हैं घर पे और हमारा ब्रूनो हमारा स्वागत किया। हेलो ब्रूनो, पूछ रही देख रहे हो कैसे चर्चल का रेक। तो ब्रूनो ने हमारा स्वागत कर दिया घर पे। हमारे दोनों के दोनों कब के घर पहुंच गए इधर उधर, कैसे लेट रखे यहाँ पे। हेलो करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो आज हमारे दो मेहमान रोहतास ग्राम से, हम रोहतास ग्राम दोनों को लेने गए थे। ये बड़ा भाई छोटा भाई और ये ब्रूनो को परेशान कर रहा है।